Welcome to our show. Thank you so much. We are really very proud कि आप हमारे शो में आई हैं. मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही है मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ. मैं देखती रहती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है आपका ये शो. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल द मोस्ट गॉर्जियस पर्सन लुकिंग वाइज फ्रॉम इनसाइड आउट एवरीथिंग. बिग फैन ऑफ योर. सो नाइस ऑफ यू टू से दैट. मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि इफ यू फॉलो एनीबडी प्लीज फॉलो हेमा जी. आज तक कोई 5% भी नहीं आया है. अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए क्या कहूँ, ये सोच समझकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि खामोश. Shatrughan Sinha. Wonderful. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शो में आए सर. बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सर. सर ये अटायर सर ये स्टाइल को अच्छा नेहरू जी का नहीं. ये अटायर ये स्टाइल जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं ये नेहरू स्टाइल नहीं है बल्कि आजकल इसे जिन्ना स्टाइल कहते हैं. नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं, बस वहीं तक बात रखने की. जिन्ना स्टाइल जिसके चर्चे हैं, जिसका जिक्र है और जिस पे बहुत कुछ आप भी समझती हैं क्या क्या हो रहा है. बिल्कुल समझ. खामोश. चलो साहब, लेकिन आप जब पहली बार आपने हेमा जी को देखा था तो कहाँ देखा था? मैं जो कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं. और सच ये है कि जब पहली बार हमारी आंखें चार हुई थी, मेरा मतलब है पहली बार जब मैंने हेमा मालिनी को देखा था जी. वो भी इसी स्टूडियो में देखा था और उस फिल्म का नाम था जिसकी शूटिंग चल रही थी, मैं शूटिंग देखने आया था एक हसीन में तुम हसीन मैं जवां. और जब देखा मैंने ड्रीम गर्ल को, बस वो दिन है और आज का दिन है, वहीं धाराशाही हो गया. हेमा जी, आपको शत्रु साहब की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है? इनके साथ अगर काम करना है तो वी कैन बी वेरी एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि बहुत हंसाते रहते हैं हम. उन दिनों में की याद आती है मुझे, मैं 2-3 शिफ्ट करके मैं आती थी, जब मुझे मालूम पड़ता था कि शूटिंग इनके साथ है, देन आई यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी हैप्पी. इनफैक्ट शूटिंग बहुत कम होती थी और हम लोग बातें करते थे और इतनी मजाक बहुत करते रहते थे. शूटिंग बहुत कम क्यों होती थी? नहीं जितना मेरी पत्नी या मेरी बीवी श्रीमती पूनम सिन्हा कहती हैं कि मैं उन्हें उतना रुलाता हूँ, उसके विपरीत इन्हें उतना हंसाता था मैं. तो हंसने वाली मैं हूं, रोने वाली मैं मेरी बीवी है जो झेल रही है. शत्रु साहब, आप 3-3, 4-4 शिफ्ट करते थे, आप भी 3-3, 4-4 शिफ्ट करते, आजकल हमसे एक शिफ्ट नहीं होता है, तो आप मैनेज कैसे करते थे ये? देखिए, मुझसे कई बार पूछा जाता था कि आप फिल्म करने से पहले सबसे ज़्यादा किस बात पे ध्यान रखते हैं, पैसे पे, बैनर पे, डायरेक्टर पे या हीरोइन पे? मैं कहता था हीरोइन की माँ पे. कि अगर हीरोइन की माँ खुश होती थी, हीरोइन की माँ खुश होती थी तो टाइम पे लेकर आ जाएगी. लवली. मगर ये भी सही है कि जो सलमान खान में स्टैमिना है, ये जो 6-6 घंटे की वर्जिश जो है, ये जलवा है, जुम्बी शांदी है, बगावत है, इतुल्ला खलखली जो ये है, वो कोई नहीं हो सकता. कोई नहीं. कमाल. लेकिन हेमा जी, जैसे कि आपको पता है कि शत्रु साहब की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि वो डायलॉग पढ़ते भी नहीं है, वो कोई एक आके पढ़ के चला जाता है और उनको हर एक फुल स्टॉप कॉमा हर तीन और आज तक के जो उस वक्त एक बार किसी ने पढ़ के सुनाया वो आज तक की भी याद है. मुझे याद है वो भाई हो तो ऐसा की शूटिंग हो रही थी, आप जीतू जी और हम तीनों की थे उस पिक्चर में, कितने लंबे लंबे डायलॉग इतना आराम से आसानी से बोल जाते थे. कई बार लोग कहते हैं कि हाथी की याददाश्त है मेरी. पहली फिल्म थी करीब हीरो के रोल में, वो फिल्म का नाम था मिलाप, जो पब्लिक के लिए विलाप साबित हुआ. उसका एक डायलॉग था जो बहुत ही
कम समय रह गया सनसेट में और मुझे समझिए 5:30 में कहा गया और कहा गया कि 6:45 तक खत्म टेक कर लेना है, और जब देखा गया तो 5-6-7 पेज का डायलॉग था और वो भी हिंदी, वो जो क्लिष्ट हिंदी, प्योर हिंदी। प्रश्न अति उत्तम है, उत्तर देना मेरा धर्म है, जो कि सो मेरा नाम सुदर्शन आचार्य पद की प्राप्ति कर चुका हूँ काशी महाविद्यापीठ से, अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन के परिपूर्ण पालन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा लेके आपके द्वार पे पधारा हूँ। आयु 25 वर्ष 6 महीने 9 दिन 11 पल व्यतीत हो चुके हैं। आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी बने, जो ऐसा यही प्रस्ताव लेके मैं आपके शरण में आया हूँ और आपके चरण के देवता मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? हमें मत पूछिए, मत पूछिए। एक दुष्भटुक नादान पात की चंचल क्रमहीन चक्षुहीन नादव नरभक्षी कुल कलंकी कुल नाशक कुत्सित दुर्दन दुष्ट नीच संतान अहंकारी एवं क्रोधी प्रश्न आपका पता मुझे दिया। तदुपरांत तथास्तु, आपके द्वार पे हूँ, तदुपरांत तथास्तु आपके शरण में हूँ और अब आपके चरण में हूँ। अब तो मुझे आशीर्वचन दें ताकि आपकी पुत्री मेरी वधु बने। धन्यवाद, नमस्कार। तीस साल पहले। अमेजिंग। ये तो सर, मैं अगर मुझे 30 साल पहले दिया होता ये तो अभी तक बराबर नहीं होता। सर साहब, इसके पहले मैं गेम भूल जाऊं। ये है क्लोरमिन नॉकआउट राउंड। मैं आपको इस राउंड के कुछ रूल समझा देता हूँ, गौर से सुनिएगा, दोबारा ना पूछिएगा। आपके लिए क्लोरमिन। थैंक यू। आपके लिए क्लोरमिन जी। आपको अशोक साहब, आपको हिमा जी को नॉकआउट करना है, हिमा जी आपको छत्र साहब को नॉकआउट करना है। नहीं, आज तक अच्छे अच्छे नॉकआउट नहीं कर सके, हम क्या कर पाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे 5 सवाल और उनके जवाब हमारे इस LG LCD TV में फीड हुए हैं। तो पहले 3 जवाब जिसने भी सही दिए वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 कदम। तो लेट्स प्ले द क्लोरमिन नॉकआउट राउंड। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स आम जिंदगी में भी फिल्मी स्टाइल में बात करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मल तो है ही नहीं जी। तो फिल्म स्टार है तो बस उसी स्टाइल में है। हम लोग नॉर्मल नहीं का मतलब सलमान तो नॉर्मल है पर बाकी लोग नॉर्मल नहीं है, ये कहिए आप। कम से कम ये तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत अच्छा बच्चा। आमतौर पर जनता जो है वो आर्टिस्ट को ऐसे समझते हैं ना कि ये फिल्म स्टार है, बस वी हैव टू बी ऑलवेज डेक्ड अप, ड्रेस्ड अप, और बातें भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आपने कभी ईशा को कहा कि खबरदार अगर इस दरवाजे के बाहर कदम रखा, ऐसा कुछ? वो अपने स्टाइल में बोलेंगे ना, नॉट इन ए फिल्मी स्टाइल। ये रहेगा खामोश, आज के बाद का बार कदम उठाया बढ़ाया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं, ऐसा नहीं कहते हम लोग। लेकिन बट इम्प्रेशन ठीक है, जो सलमान कह रहे हैं इम्प्रेशन ठीक है। ज्यादातर जी कलाकारों के बारे में ये इम्प्रेशन जरूर है कि लोग हमेशा एक्टिंग करते रहते हैं। जैसे कि अमित जी का जो स्टाइल है वो जब आप अमित जी से बात करोगे तो उसी फिर जैसे कि आपका जो स्टाइल है, एक है राजकुमार साहब का जो स्टाइल था, राज कपूर साहब का जो स्टाइल था, राजेश खन्ना साहब का जो स्टाइल है, यू नो इट इज वेरी very similar to acting and real life and real life both. It's same. आप जो ऑफ स्क्रीन हैं, आप जो ऑफ स्क्रीन जैसे आप खामोश तो घर में थोड़ी कहूँगा, घर में खामोश बोलूँगा तो खुद ही खामोश कर दिया जाऊँगा। मेरी इतनी हिम्मत है कि बीवी को मैं खामोश बोल सकूँ। कितने प्रतिशत भारतीयों की ऐसी हिम्मत है कि अपने पत्नी को खामोश बोल सकें? बोलेंगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स आम जिंदगी में भी फिल्मी स्टाइल में बातें करते हैं? 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। हिमा जी लगाए 55% पर, शत्रु साहब ने लगाया 45% पर। आए देखें कौन जीतता है, शत्रु साहब जीतते हैं, हिमा जी जीतती हैं। आप
करते हैं।